ये कांग्रेस का पुराना धंधा रहा है। आज तो सदन में कांग्रेस के नेता माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण जी ने जो बयान किया कि सीएए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये उनका बयान उनके अज्ञान को प्रदर्शित करता है। अज्ञानता में उन्होंने किया हुआ यह बयान सिर्फ उनकी अज्ञानता नहीं दिखाता, लेकिन भारत के पवित्र संविधान का सदन में उन्होंने अपमान किया, यह हमारा मानना है। कोई भी न्यायालय ने अभी तक उस कानून को संविधान बाह्य नहीं बताया, लेकिन बावजूद उसके हमारे को वोट बैंक की राजनीति करनी है ये समझ रखकर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये छोटी भूमिका ले रहे हैं। हमारी मांग शिवसेना से, शिवसेना के मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी अपनी पोजीशन क्लियर करें। लोकसभा में उन्होंने इस बिल का समर्थन किया, राज्यसभा में उन्होंने सभा त्याग करके इसके विरोध में नहीं है ये जताया। आज जब महाराष्ट्र में उसको अमल बजार नहीं करना पड़ेगा, कार्यान्वित करना पड़ेगा, तब शिवसेना पीछे ना हटे, ये हमारी उनसे मांग है। और कांग्रेस ये ऊंची वोट बैंक की राजनीति न करे, इस प्रकार का हमारा निवेदन है।